शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर हमीरपुर डिग्री कॉलेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड चेयरमैन सुरेश सोनी ने शिरकत की। इस अवसर पर NIT के डायरेक्टर अजय यादव भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। सेमिनार में शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर मंथन किया गया और किस तरह से स्कूल कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल के अलावा प्रदेश के बाहरी राज्यों से भी शिक्षाविद मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व में शारीरिक क्रियाएं करके मानसिक संतुलन को बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी NCERT की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं ताकि बच्चों का एक समान विकास हो सके। सोनी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं हैं और इन चीजों का लाभ लेने के लिए बोर्ड ने योजना बनाई है, जिसके चलते क्वालिटी एजुकेशन को लेकर काम किया जा सके। सोनी ने कहा कि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में नकल बहुत ही कम हो सकी है, क्योंकि सारे परीक्षा केंद्र में CCTV केंद्र बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि नकल रोकने के लिए बोर्ड का कदम कारगर रहा है और इस बार भी बोर्ड परीक्षा परिणाम अप्रैल माह में ही घोषित किए जाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता अगर शिक्षा की देखी जाए तो सबसे पहले हम स्कूलों की तरफ रुख करना होगा। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ सके और जो एजुकेशन है, शिक्षा है, प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हम कैसे उसे अच्छा कर सकते हैं। शिक्षा का जुड़ाव व्यक्ति के व्यक्तित्व से होता है, उसमें कैसे निखार हो सकता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में तीन एलिमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक है शरीर, दूसरा मन, बुद्धि आत्मा, यानी उसकी शारीरिक क्षमता भी स्कूलों में बढ़नी चाहिए। उसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योग कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ उसका मन का संतुलन, क्योंकि आजकल बच्चे डिप्रेशन में है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, तो उसके मन को संतुलित कैसे किया जाए, इसका प्रयास हम करेंगे। ऐसे बच्चों में ये एजुकेशन के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके मनों में जाए, ये प्रयास होगा। इसके लिए बोर्ड अब पूरी तैयारी कर रहा है। अभी तो मुझे 3 माह हुए हैं, तो 3 माह में ये सारी एक्सरसाइज हमने करनी प्रारंभ कर दी है। और इसके संबंध में एक और बात कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम करने के लिए जो बोर्ड की पुस्तिकाएँ हैं उसको प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के भी पढ़ेंगे, ये स्टेप हमने ले लिया है। तो प्राइवेट स्कूल के सारी पाठशालाएं अब हमारी NCERT बेस्ड किताबें पढ़ेंगी, उस नॉलेज पर काम करेंगी।